अब आपके पास लॉजिक ये वाली हो, गेम की प्लानिंग ना हो, आपके पास लॉजिक ये वाली हो, हार जाएंगे तो पहले से तय किया हुआ है कि इन्होंने बोलना क्या है, ये तय करते हैं लोग कि हार गए तो क्या बोलना है, हाँ ये बोलना है ये बोलना है, तो यहाँ ये प्लान हो रहा होता है भाई। आप वर्ल्ड कप पे मैच खेलने के लिए जा रहे हैं, कौम ये बात कर रही है कि यार किसने कितने रन करने हैं, क्या पावर प्ले में पाकिस्तान 50 से ऊपर रन कर पाएगा नहीं कर पाएगा। आज न्यूजीलैंड ने खाता खोला है ना, मतलब सन्नाटे में ले आया होगा टॉप ऑर्डर में खेलने वालों को कि यार टॉप ऑर्डर में खेला जाएगा तो किस तरह खेला जाएगा ऑस्ट्रेलियन कंडीशन के अंदर। अच्छा मेलबर्न में अब निकल के क्या आएगा, अच्छा भाई 8 ओवर का मैच निकल के आया, चले हम मान लें अब 8 ओवर तो वो वैसे ही खेल जाते हैं नॉर्मली रिजवान और बाबर, अगर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करता है तो 8 ओवर में जितना आप 70 रन रख लेता हूँ मैं, बहुत तेज खेल लिया, मतलब इतनी बड़ी बाउंड्री है। बटलर ने आज जब शॉट मारा तो लगा छक्का हो गया, वो 8 मीटर अंदर कैच पकड़ा गया। आज मार्कस स्टोइनिस ने भी बहुत कोशिश करी छक्का मारने, पूरा अफगानिस्तान के इतने तगड़े बल्लेबाज जो बॉले वाले फाड़ देते हैं उनकी बॉल स्टेडियम के बाहर नहीं जा रही। तो मैं कह रहा हूँ जहां पर बाउंड्री बड़ी हो, जहां पर आपकी वेरिएशन ही ना हो शॉट के अंदर, और आपको पिछले 1 साल में लोग तरस गए, उनकी आंखों में दर्द हो गया कि अब तेज खेले जब तेज खेले, मगर आप तेज ना खेले, मगर ठीक है आपने रन मतलूबा मैार के बनाते रहे, टीम में रहने वाले रन बनाते रहे, मतलब इंटरनेशनल रैंकिंग में रहने वाले रन बनाते रहे। देखें यार ये सब बर्दाश्त कर लिया, अब आपके पास कोई मौका नहीं है, अब कोई एक्सक्यूज नहीं, ना दिन होगा ना रात होगी, ना सुबह होगी ना शाम होगी, ना क्रिकेट की खूबसूरती होगी, अब आपको जवाब देना है अपनी परफॉर्मेंस से। अगर आप मतलूबा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते तो अपने टॉप ऑर्डर को आगे पीछे करें, वरना अगले 5 मैचेस आपके लिए।